मोदी जी ने क्या नारा दिया, सबका साथ, केवल हिंदू सिख जैन ईसाई पारसी का विकास साथ नहीं, पाकिस्तानी का साथ देंगे आप मोदी जी। पाकिस्तानी कहाँ है वो, किसने कहा पाकिस्तानी है वो, भारत की बहू है, यहाँ के पति की पत्नी है वो, भारत में आई है, पत्नी है, धर्म पत्नी के लिए आप ऐसा नहीं बोलोगे पाकिस्तानी, बोल मत देना दोबारा कभी हमारे सामने। अच्छा प्यार, अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे ना जम्मू में, बोले थे ना पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और एक दिन लेके गरीब की बीबी को सारे भाभी बनाने लगते, और बड़े आदमी की बीबी सबकी बहन जी होती है, सब आगे खड़े होते हैं, बहन जी जी बहन जी। अपने देश की नहीं हुई वो, अपने पति की हो जाएगी वो, क्या देश है का उसने खाया पिया था, पाकिस्तान भारत का है, बलूचिस्तान पे भारत का झंडा लहराएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और लेके तुम्हें, तुम्हारे चैनल वालों को तसल्ली हो जाएगी, खाया जा सकता है, तुम्हारे दर्शकों को तसल्ली हो जाएगी, खाया जा सकता है ना कि गलत कदम उठा रहे हो, चार बच्चे हैं, जाके फिर से रहो वहाँ, वादियों को समझाओ ना, जेल में चलो, पटियाला हाउस कोर्ट चलो, NIA चलो, बचाएंगे उसको आप लोग अगर प्रॉब्लम में गई तो, बिल्कुल बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे, अब वो यहाँ की है नहीं बेटी बहू, क्या उसे मार दें, क्या उसे वापस पाकिस्तान भेज दें, क्या वहाँ भिजवा के उसे मरवा दें उस फांसी के फंदे पर लटका दें। वो तो श्री राम बोलती है, और जय श्री राम का नारा और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहे के तो देखो आपके पाप। प्रदेश में माफियाओं का अंत करने वाली पुलिस, वही तो कर रही थी पुलिस, जाँच कर ली, अब जाँच करके जेल भेज दिया, जेल से बेल किसने दी, आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी, किसने दी, कोर्ट ने। ये सत्य है वो सीमा से पार करके सीमा आई है, भारत की सीमा में आई है, भारत की सीमा में सीमा सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा, और बांका होगा भी कैसे वो बताऊं। कभी छोड़े क्या, क्या पाकिस्तान में मंदिर आज भी नहीं तोड़े जा रहे, जब ये पैदा नहीं हुई होगी सीमा हैदर, जब इस केवल सीमा थी और पैदा नहीं होगी, तब भी पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे, तब भी वहां धर्मांतरण होता था, तब भी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को पकड़कर जबरदस्ती निकाह कराया जाता था हिंदू लड़कियों के साथ। राम भी कह रही है, कल हम लोगों ने बातचीत किया, जय श्री राम भी कह रहे, अरे अब तो कोई काम उसका रोकने वाला है ही नहीं, बोला जय श्री राम, समझो हो गया उसका काम, डरी हुई है। तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, सोचिए जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, पाकिस्तान से उसने आवाज दी, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज, ये नाराज था, प्यार में था, प्यार का नाराजगी थी, वो यहीं बैठा रहा पबजी खेलते खेलते, तो उसने अपने चौवारे से आवाज दी, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज, तू ऊपर ना आया तो मैं खुद नीचे आ गई, तू पाकिस्तान नहीं आया तो मैं खुद भारत में आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, सोचिए जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, पाकिस्तान से उसने आवाज दी, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज, ये नाराज था, प्यार में था, प्यार का नाराजगी थी, वो यहीं बैठा रहा पबजी खेलते खेलते, तो उसने अपने चौवारे से आवाज दी, मैंने अपने चौवारे से दी तुझको आवाज, नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज, तू ऊपर ना आया तो मैं खुद नीचे आ गई, तू पाकिस्तान नहीं आया तो मैं खुद भारत में आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो प्यार है, प्यार को निभाना चाहिए, प्यार बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, प्यार तो ढाई आखर कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए, तो वो बड़े पंडित हो गए, बड़े विद्वान हो गए, जिसने प्यार की परिभाषा को समझा, अपने जीवन में ढाला और अपने ऊपर अपना अच्छा किया उसने, आई अब बस ये रहे, ठीक है उसकी वैधानिकता ठीक है,
कारण क्या है कि वो तलाकशुदा थी, उसका पति दो दो बार तलाक दे चुका था। सोचिए कितनी बड़ी उससे गुर्जरी होगी, दो दो बार, पहली बार तलाक दिया होगा, फिर उसका हलाला हुआ होगा, हलाला के बाद फिर दोबारा तलाक शादी वो निकाह हुआ होगा, फिर दोबारा तलाक दिया, यानी कि दोबारा। सोचिए इतने जुल्म से गुजरी है ये, तो भारत में कह लीजिए, माननीय मोदी जी की सरकार कह लीजिए, यहाँ जो भारत में ट्रिपल तलाक लगाकर कानून बनाकर इस देश की मुस्लिम महिलाओं बहन बेटियों के साथ सुरक्षा का संरक्षण का कानून कायदा बना के दिया, जिससे हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, सही हैं। तो इसलिए उसने जो कुछ किया ठीक किया, अपने चार बच्चों को भी दोबारा में ले आई। बहुत पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मंदिर, दुनिया के महादेव भोले बाबा के मंदिरों में प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ मंदिर, पर वहाँ विवाह किया, उसके बाद बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, इस देश में एक बड़ी बात, उसके बच्चे यहाँ आए और बच्चे बोलते भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचिए वो पाकिस्तान के आए हुए बच्चे, पाकिस्तान की धरती पर जन्मे हुए बच्चे, पाकिस्तान की बहन बेटी जो हमारे देश की अब बहू बनी है, और हमारे देश में तो संस्कार है, परंपरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बेटी बचाओ में ये थोड़ी लिखा है बेटी हिंदू की बचाओ, बेटी ईसाई की बचाओ, बेटी जैन पारसी की, बेटी बचाओ, बेटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबकी बचाओ। तो बेटी को सुरक्षा देना है, संरक्षण देना है, और उसके तहत अब देखिए सबसे बड़ी बात, वो बच्चे वो बेटी पाकिस्तान से आके यहाँ भारत माता की जय बोलने लगी, और यहाँ के बेशरम लोग जो भारत में पैदा होते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से संसद बनते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, और यहाँ की कोठियों में रहते हैं, सरकारी कोठियों में TA DA लेते हैं, जहाज़ों पर यात्रा करते हैं, राजधानी और वंदे मातरम ट्रेन जो मोदी जी ने चलाई उन पर यात्रा करते हैं, फ्री में यात्रा करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए भारत माता की जय बोलोगे, ना बाबा ना, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सोचिए ऐसे लोग भी हैं। जय श्री राम भी कह रही है, कल हम लोगों ने बातचीत किया, जय श्री राम भी कह रहे हैं। अरे अब तो कोई काम उसका रोकने वाला है ही नहीं, बोला जय श्री राम, समझो हो गया उसका काम। डरी हुई है ना, कह रही हमें यहीं रखा जाए, डरी हुई है, भगाने के लिए पाकिस्तान कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, लगातार कह रहा है हिंदुओं की मंदिर तोड़ देंगे। ओहो, वो तोड़ते हैं, उन्होंने कभी छोड़े क्या? क्या पाकिस्तान में मंदिर आज भी नहीं तोड़े जा रहे, जब ये पैदा नहीं हुई होगी सीमा हैदर, जब केवल सीमा थी और पैदा नहीं होगी, तब भी पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे, तब भी वहाँ धर्मांतरण होता था, तब भी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को पकड़कर जबरदस्ती निकाह कराया जाता था हिंदू लड़कियों के साथ, उन्हें बंधक बना के रखा जाता था। पाकिस्तान में जो दमन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ हो रहा है, इस बात से हिंदुस्तान के मुस्लिम तक दुखी है। कहाँ बात आप कर रहे हो, हिंदुस्तान के मुस्लिम, पाकिस्तान के मुस्लिम तक इस बात से दुखी हैं कि इतना दमन वहां होता है। यहां मंदिर तोड़ने की बात नहीं होती है, यहां मस्जिद तोड़ने की बात नहीं होती है, भारत से ज्यादा दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं है और सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू महिलाओं बहन बेटियों को धर्मांतरण करके उनको निकाह कराया जाता है बच्चियों के साथ। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपने हमारी बेटी ले ली, पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है, तो आप इसको वापस कीजिए वरना तोड़ देंगे मंदिर जो आपका आस्था का केंद्र है। बेटी अब पहली बार ले ली क्या? खिलाड़ियों ने नहीं ली, अभिनेताओं ने नहीं ली, राजनेताओं ने नहीं ली, व्यापारियों ने नहीं ली, अपने आप नहीं आई, शादी है साहब। ये सीमा को राजनीति में ही रखो, सीमा पर जब हमारी बॉर्डर पर, इस सीमा को मत घसीटो, सीमा पर से गोलियां चलती हैं तो पता भाई मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है, किसी का भांजा मरता है, किसी का मामा मरता है, किसी का चाचा ताऊ मरता है, जब सीमा पर गोलियां चलती हैं बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के, और सीमा से बॉर्डर से पाकिस्तान और भारत के बीच गोली बंद हो और डोली आए जाए,
गोली बंद होके जब डोली आई जाएगी तो उसकी अलग खुशी होगी, जब डोली आएगी तो बलीमा की दावत होगी, रिसेप्शन होगा, एट होम होगा, डिनर होगा, लंच होगा, मिठाई बटेगी, लड्डू बटेंगे, दावतें होंगी। ये अच्छी लगती हैं कि गोलियां अच्छी लगती हैं? गोलियां चलती तो लाशें उठती हैं, बम चलते हैं तो लोगों को चिथड़े उड़ते हैं, ब्लास्ट होते हैं तो मुंबई के बम ब्लास्ट होते हैं। देश की संसद सबसे बड़ी सर्वोच्च हमारी संस्था थी, उस पर भी आतंकी हमले हुए। इसलिए अगर देखा जाए सर, तो सानिया मिर्जा जो कि खिलाड़ी है, उन्होंने शादी किया पाकिस्तान में, उस वक्त तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम हिंदू के साथ आकर के हिंदू रीति रिवाज में आई है और जय श्री राम वगैरह कह रही है, कह रही है मैं गंगा नहा करके हिंदू हूँ, बन गई हूँ, नहाऊँगी, तमाम चीज़ें चलो, उसमें पाकिस्तान आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों है? पाकिस्तान में सब नहीं बौखलाए हैं, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये भी पाकिस्तान से आई, इनके बच्चे भी पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में बहुत लोग अच्छे रहते हैं, कुछ ही लोग हैं पाकिस्तान में जो धर्म की राजनीति करते हैं। भारत में भी सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी को प्यार करने वाले रहते हैं, कुछ ही लोग हैं यहाँ भी धर्म की बात और धर्म की आग लगाने वाले, सब नहीं हैं, सब बड़े प्यार से रहते हैं। ईद के दिन ईद मिलते हैं, होली के दिन होली मनाते हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज, सब कुछ त्यौहार, तीज सब मिलके मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तैयार कर दिया गया सीमा का पाकिस्तान में, कैसे बच पाएगी सीमा, कैसे बचाइएगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ जाएंगे, ये नेशनल वुमेन कमीशन कहाँ जाएंगे, UNO कहाँ जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ जाएंगे, पुलिस कहाँ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर संस्थान कहाँ जाएंगे, विदेश मंत्रालय कहाँ जाएंगे? ये तो दुख की बात है। आज हमारे बीच हमारी बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं है, जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, दो मिनट में ऐसी समस्याओं का सलूशन कर देती थी, समाधान कर देती थी, उन्हें बहुत ही इसमें निपुणता हासिल थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है, वो सीमा से पार करके सीमा आई है, भारत की सीमा में आई है, भारत की सीमा में सीमा सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा, और बांका होगा भी कैसे वो बताऊं? जब वो आई, आने का तरीका गलत था, आई एग्री, लेकिन क्या वही अकेली आई? सीमा से आतंकवादी नहीं आते हैं क्या? गोली बम बारूद नहीं आता है क्या? धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी आतंकवादी हमले नहीं होते हैं क्या? देश की सबसे बड़ी संसद पर हमला आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नहीं हुआ क्या? बॉम्बे का 16/11 का प्रकरण नहीं हुआ? सीमा से ही आए लोग, बॉर्डर से ही आए, होते हैं, अब भी होते हैं। भारत शांति प्रिय देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत का नाम आतंकवादी देशों में नहीं आता है। पाकिस्तान ब्लैकलिस्टेड होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी इकोनॉमी रोकी जाती है, उसकी इंटरनेशनल बैंक पॉलिसी जो है उन पर रुकावट पड़ती है, उसे UNO में जलील होना पड़ता है। भारत ऐसा नहीं है, भारत के मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सभ्यता संगीता के साथ रहते हैं, सब मिल के रहते हैं, और मिल के सब ने मोदी जी को बनाया, और इसीलिए मोदी जी ने क्या नारा दिया, सबका साथ, केवल हिंदू सिख जैन ईसाई पारसी का विकास साथ नहीं, पाकिस्तानी का साथ देंगे अब मोदी जी। पाकिस्तानी कहाँ है वो? किसने कहा पाकिस्तानी है वो? भारत की बहू है, यहाँ के पति की पत्नी है, वो भारत में आई है, पत्नी है, धर्म पत्नी के लिए आप ऐसा नहीं बोलोगे पाकिस्तानी, बोल मत देना दोबारा कभी हमारे सामने, अच्छा याद रखना, वो भारत की महिला है, यहाँ की बहू है, यहाँ की है, तो यहाँ की इसमें कोई मतलब नहीं है, मदद उसकी दी जाएगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा, उसके साथ भी न्याय होगा, उसके बच्चों के साथ भी न्याय होगा, उन्हें संरक्षण मिलेगा, और उसको जो भी ज़रूरत होगी। अब आप सवाल एक उठाते हैं, वो जासूस है, ठीक है, यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि उनके कई तमाम तरह की खबरें चल रहे हैं, आप कई एंगल से सोचते हैं, आधार कार्ड वगैरह को नहीं सोचते, आप दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचिए, आप
दिमाग कर रहे हैं ना, उनके बॉडी लैंग्वेज हो गया, उनके फराटेदार इंग्लिश है, पांचवी पास अगर रहेगी तो इतना फराटेदार इंग्लिश, और वो कहती है कि मैं बस बात प्यार मोहब्बत में हिंदी सीख गई, उर्दू का एक वर्ड नहीं बोल पा रही है। बलूचिस्तान की रहने वाली है, तो बलूचिस्तान की रहने वाली है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, इंग्लिश में निपुण है, मृदुभाषी है, हिंदी भाषा से प्यार करती है। क्या पाकिस्तान में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है? पाकिस्तान में भी हिंदी भाषा बोली जाती। क्या भारत में उर्दू भाषा नहीं बोली जाती? यहाँ भी उर्दू भाषा बोली जाती। क्या यहाँ उर्दू के अखबार नहीं छपते हैं? यहाँ भी छपते हैं। क्या पाकिस्तान में हिंदी के अखबार नहीं छपते हैं? वहाँ भी छपते हैं। इंग्लिश योग्यता भाषा किसी की बपौती नहीं है कि बड़े आदमियों के बच्चे इंग्लिश सीखेंगे, गरीब नहीं सीखेंगे। गरीबों में भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, बड़े बड़े व्यापारी बनते हैं। इस देश में पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से भी है, जो पेट्रोल पंप पे जिसके धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मुट्ठी में कर ली, मोबाइल फोन चलाए, रिलायंस चलाए, मुट्ठी में कर ली, जो चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो चाहते हैं वही चलाते हैं, कर ली दुनिया मुट्ठी में। तो ऐसे लोग भी हैं, पेट्रोल पंप पे उनके पिता काम करते थे, सबको पता है, तो ऐसा क्या है। लेकिन इस देश में सभ्यता संस्कृति के साथ रहने की बात, अब आपने कही जासूस, अगर वो जासूस है, देखिए वो आई भारत, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग नहीं कह सकते, कुछ लोग सवाल उठाते होंगे, आपके दर्शक भी, आपका तो चैनल सब जगह देखा जाता है, तो कमेंट में कहते होंगे बड़ी जासूस है, इसकी जांच करो आप, पत्रकारिता के साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उनसे कहना और सुन लें वो लोग। वो भारत में आई, उसके खिलाफ FIR हुई, FIR होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, PC रिमांड हुआ, जाँच हुई, उसके बाद वो जेल भेजी गई। ये कौन काम कर रहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, अच्छी पुलिस, उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों में कोई भी दंगा ना होने देने वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत करने वाली पुलिस, वही तो कर रही थी पुलिस, जांच कर ली। अब जांच करके जेल भेज दिया, जेल से बेल किसने दी? आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी, किसने दी? कोर्ट ने, माननीय अदालत ने बेल दी, तो माननीय अदालत ने समझा आप इसका मतलब, माननीय अदालत पे सवाल उठाएंगे वो लोग जो आपसे पूछते हैं, क्या माननीय अदालत पे डाउट करेंगे? माननीय अदालत ने बेल दी, जेल इज डिनाइल, बेल इज रूल, जेल से बेल मिलनी चाहिए जब जेल भेज दिया है, अब बेल हो गई। तो क्या पुलिस को अगर लगता वो डाउटफुल है, वो जासूस है, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, क्या उसके फोनों का साइबर, आज तो आजकल साइबर क्राइम से सब पता चल जाता है, जमा है फोन, जमा है, जांच हो रही है, होने दीजिए, लेट देम वेट, वाच, इंतज़ार करिए। अच्छा, क्या उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया? लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ? ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ? ये हुआ? अगर उन्हें शक होता तो वो ये कराते। हाँ, ब्रेन मैपिंग वो लेटती, लाई डिटेक्टर में बैठती, उसके बाद जवाब देती पॉलीग्राफी में, मुझे जनरल से मिलना है पाकिस्तान के, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, मुझे आतंकवादी संगठनों से मिलना है, इनसे मिलना है, वो बोलती तो बात पकड़ में आती, मुझे यहाँ आतंक फैलाना है, मुझे मोदी जी की सरकार अस्थिर करनी है, योगी जी की सरकार अस्थिर, कुछ ऐसा बोलती, कुछ जवाब आते तो पता चलता वो गलत है। वो कहाँ से गलत है? वो तो श्री राम बोलती है, और जय श्री राम का नारा और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहे के तो देखो आपके पाप भी धुल जाते हैं, पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, और हर बार साल में गंगा फिर से स्वच्छ हो जाती है, अभी सावन का महीना चल रहा है, फिर गंगा स्वच्छ हो रही है, पूरे साल पापियों के पाप धोती है राम तेरी गंगा मैली होती है साल भर, और साल में फिर धोके फिर पवित्र हो जाती है, आओ नहाओ, और वो गंगा नहाई है या नहाएगी तो उसकी पवित्रता पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, वो पवित्र भी हो जाएगी अगर कुछ थोड़ा बहुत पाप भी हो जाता है, कहते ना खुद से खुदा ना कहीं बन जाऊं, इसलिए थोड़ा बहुत पाप भी कर लेता हूं, और मंदिर में पूजा भी कर लेता हूं, और मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेता हूं, खुद से कहीं उसको बचाएंगे, बचाएंगे उसको आप लोग अगर प्रॉब्लम में गई तो? बिल्कुल बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? अब वो यहाँ की है नहीं बेटी बहू, क्या उसे
मार दें, क्या उसे वापस पाकिस्तान भेज दें के वहाँ भिजवा के उसे मरवा दें, उस फांसी के फंदे पर लटका दें, तब तसल्ली हो जाएगी तुम्हें, तुम्हारे चैनल वालों को तसल्ली हो जाएगी, उठाया जा सकता है, तुम्हारे दर्शकों को तसल्ली हो जाएगी, उठाया जा सकता है ना कि गलत कदम उठा रहे हो, चार बच्चे हैं, जाके फिर से रहो वहाँ, आतंकवादियों को समझाओ ना, जेल में चलो, पटियाला हाउस कोर्ट चलो, NIA चलो, तिहाड़ चलो, वाराणसी की जेल में चलो, बम फोड़े थे उन्हें समझाओ ना, चल के उनको समझाने के लिए चलो ना, जम्मू की जेल में चलो, श्रीनगर की जेल में चलो, जो 30 कार्बाइन अपनी फर के नीचे लटकाए लटकाए घूमते रहते हैं, उनसे समझाओ चल के, सीमा पे समझाओ चल के, बॉर्डर पे समझाओ चल के, स्मैक आती, चरस आता, गांजा आता, आशीष आती, 30 कार्बाइन आते, बम आते, गोले आते, बारूद आते, तोपे आती, उन्हें समझाओ जाके, एक लड़की को समझाओगे? जो अपने देश की नहीं हुई वो अपने पति की हो जाएगी। वो क्या देश है जिस मिट्टी का उसने खाया पिया था? पाकिस्तान भारत का है, बलूचिस्तान पे भारत का झंडा लहराएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और लेके रहेंगे, ये भी याद रखो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था और लेके रहेंगे, वहां की भी यहाँ सब पहुंचेंगे, वहां के लोगों में भारत के प्रति प्यार। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे ना जम्मू में, बोले थे ना POK हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और एक दिन लेके रहेंगे, ये भी याद रखो आप। मतलब अगर पाकिस्तान से और लड़कियां आएगी, उन पर अत्याचार होगा तो सबको स्वीकार किया जाएगा? क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा? भारत सहनशीलता, भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत सबका साथ सबका विकास लेके चलता है, भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाकिस्तान में बोला जाता है क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भारत में बोला जाता है। ये कौन का नारा है सबका साथ सब, नहीं है वहां पाकिस्तान का नारा, ये तो भारत का नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके अब न्याय। अब क्या इसके साथ अन्याय होने दोगे? तुम बैठे रहोगे अपनी ID और कैमरा लिए और उसके साथ अन्याय होता रहेगा? नहीं होने दोगे, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो, बिल्कुल उसके साथ नहीं अन्याय होने दोगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही है, एक अंतिम मैसेज उन लोगों को जो ये तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनको एक सीधे तौर पर शॉर्ट वे में क्या कहेंगे? जो सवाल इसके पे उठा रहे हैं ना, एक गरीब है, पैसा मिला है सचिन को, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, गरीब की बीबी को सारे भाभी बनाने लगते हैं और बड़े आदमी की बीबी सबकी बहन जी होती है, सब आगे खड़े होते हैं, बहन जी, जी बहन जी, मैडम जी, बहन जी, और छोटे की भाभी। जब गरीब शराब पीता है, साला शराबी शराब पिए पड़ा है, अमीर शराब पीता है, साहब शौक कर रहे हैं, शौक फरमा रहे हैं, साहब साहब शौक फरमा रहे हैं, तब वहाँ ये होता है। ये फ़र्क है हमारे देश के गरीबी अमीरी में, लेकिन सरकार गरीबी अमीरी नहीं मानती, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, याद रखना आप। और रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ मत डालो। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी है, और भी जिसको जुड़ना है आना है, सोशल मीडिया से आना है। भारत के युवा बहुत अच्छे हैं, पबजी से आया, वो भारत में बैन था, अरे बाबा बैन था, फिर चल कैसे रहा था, चल कैसे रहा था बताओ? बैन था, कुछ बैन होता है? ऑनलाइन कोई चीज बैन होती? सब कागजों में बैन होती है, प्लास्टिक की पॉलिथीन की पन्नी थैली बैन है ना सुप्रीम कोर्ट में, बिक रही ना पूरे देश में, पबजी में भी वही, गुजरात में शराब बैन है ना, बिहार में शराब बैन है ना, ट्रकों से मिल जाती है ना, तुम्हारा तो गृह प्रदेश है बिहार, ट्रकों से मिलती है ना, रिपोर्टिंग करते हो ना, कुचली जाती है ना बुलडोजर, कार्रवाई भी होती है, मारे जाते हैं ना, सैकड़ों मरते हैं ना लोग, छोड़ो ना यार ये बैन बैन। लेकिन सर ये पबजी, जो पबजी खेल रही थी उसमें ठें ठें होता है, मारो यहाँ मारो वहाँ जाओ, मैं भी खेला हूँ पबजी, तो कहीं ना कहीं दिमाग देख रहे हो कहाँ से। तुम्हारी किसी से दोस्ती हुई पबजी में? बेकार खेलना गया पबजी, फिर से खेलो, दोस्ती करो पबजी में, प्यार बढ़ाओ, पासे पब पासे प्यार, प्यार करो, बुलाओ चलाओ, आओ जाओ, रिश्तेदारी निभाओ, शादी विवाह करो, बच्चे करो, देश का भविष्य बनाओ, उन्हें सैनिक बनाओ, देश की सीमा पर भेजो, देश के लिए भेजो, मोदी की जी के विकास में हाथ बढ़ाओ। मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं, मोदी जी का तो खानदान है नहीं, मोदी जी तो परिवारवादी है नहीं, मोदी जी तो की लंबी लिस्ट नहीं है, वो तो अकेले चले हैं दुनिया में, अकेला चलो रे, और पूरी दुनिया में भारत का झंडा राष्ट्रीय ध्वज लेके लहराते घूम रहे हैं।